वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये ब्लू वाला जो हेडर है, इसमें आपको शुरू में इंट्रोडक्शन, मैसेज टू पब्लिक, बहुत सारे मेनू देखेंगे। साथ में यहाँ हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, इंस्ट्रक्शन के वीडियो और उनके मैनुअल इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। बगल में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक टैब दिया हुआ है। जैसे इस वाले टैब पर ले जाइएगा माउस को, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी, दो ऑप्शंस, एक लॉगिन का, दूसरा रजिस्ट्रेशन का। आज की इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, इसका प्रोसेस जानेंगे। तो इस पे माउस ले जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बिजनेस से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले बिजनेस का नाम, यहाँ पे मैं बिजनेस के नेम में मैं यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डाल देता हूँ। एप्लीकेंट के नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पूछा जा रहा है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? इसमें एक अपर केस लेटर होता है, लोअर केस लेटर होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होता है, एक न्यूमेरिक करेक्टर होता है। इस सारे कम्बिनेशन मिला के आपको मिनिमम 6 से 8 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ए कैपिटल में SDF@1234। कंफर्म पासवर्ड में ही डालूंगा, ए कैपिटल में SDF@1234। यहाँ पे अगला ऑप्शन है, मेरे मुझे पूछा जा रहा है गेट OTP। अपना मोबाइल नंबर और बाकी बिजनेस डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्ट्रेट के वेबसाइट के द्वारा आपको एक OTP आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आपको इनपुट बॉक्स में डालना है। और हरे वाले बटन जो वेरीफाई OTP है, उस पर क्लिक करना है। इन केस आपको OTP नहीं आता तो 2 मिनट वेट कर लेना है, और इस सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपको पुनः से फिर OTP एक चला जाएगा, उस OTP को डालकर वेरीफाई OTP क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग वेरीफाई OTP क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट होता है, OTP वेरीफाइड। उसको क्लिक करते ही वेरीफाई OTP का और रिसेंट OTP का दोनों का बटन डिसेबल हो जाता है, और यहाँ पे एक बटन जो था रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर का, वो इनेबल हो जाता है। अब इस बटन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका नाम के साथ साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका यूजर आईडी है, लॉगिन के लिए ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे आपसे सेव करने का भी ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, और साथ में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर BR EI 06231907G2022 है। पासवर्ड यहाँ पर जो मैंने डाला था, कैपिटल में ए, स्मॉल में एस, स्मॉल में डी, स्मॉल में F@1234, यहाँ पर मैं सेव कर ले रहा हूँ। साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन मैसेज आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर BR EI 06231907G2022 है। आपका पासवर्ड आपको अपने खुद बनाया था, तो आपको कहीं ना कहीं नोट करके उसको रखना होगा।
इन केस आप उस भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लॉगिन का प्रोसेस देखेंगे। लॉगिन के प्रोसेस के साथ साथ ही अगर हम लोग लॉगिन कर पाते हैं तो उस तो लॉगिन करने के बाद जो भी हमारा डैशबोर्ड विंडो खुलता है तो हर टैब में क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है वन टू वन स्टेप जानेंगे।